गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की इस क्लास में हम बात करेंगे रेट लॉ। चैप्टर 4 है, पार्ट 2, रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ है क्या? तो इसकी डेफिनेशन अपन कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं। इट इज ए इक्वेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड विथ एक्टिव कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्शन का जो रेट है और उसका एक्टिव कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का, उसके बीच का रिलेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन जो R होता है उसका रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये बताता है आपका रेट लॉ। अब ये कैसे बताता है? देखिए, यहां पे अपन ने बात करी, एक कोई इक्वेशन अपन ने मान ली, जैसे कि अपन ने मान लिया N1A रिएक्ट कर रहा है N2B से, ये रिएक्टेंट है और ये बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वागेज के अकॉर्डिंग जो एक्टिव कंसेंट्रेशन लॉ। देखिए, एक्टिव कंसेंट्रेशन का मींस क्या है, पहले इसका मींस समझो आप कि ये एक्टिव कंसेंट्रेशन है क्या, ये बार बार आ रहा है, ठीक है, ये चीज क्या है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब ये 50 के 50 बैठे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कितने बच्चे एक्टिव हैं, तो ये तो है नहीं कि 50 के 50 बच्चे एक्टिव हैं जो बोर्ड पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर यूं कहें कि 50 बच्चों में जो है 30 बच्चे जो है लड़ाई कर रहे हैं। तो ये जो 30 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं ना, ये एक्टिव हैं इस टाइम पे, और इन्हीं की वजह से चोट वगैरह आएगी। यानी कि यूं कह सकते हैं कि किसी रिएक्टेंट के अंदर 50 मॉलिक्यूल्स हैं और उन 50 मॉलिक्यूल्स में 30 मॉलिक्यूल्स ये आपस में टकरा रहे हैं, जिससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यानी यही मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए हैं, इन्हीं से प्रोडक्ट बनेगा, बाकी के 20 से प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। इट मींस एक्टिव ये हो गए, ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है कि नहीं। तो इनको बोलते हैं एक्टिव कंसेंट्रेशन। तो इस एक्टिव कंसेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन का संबंध है सीधा सीधा ही, ठीक है कि नहीं। जितने ज्यादा एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे उसका रेट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो इस रिलेशन को समझने के लिए ही गुलबर्ग और वागे ने एक फॉर्मूला दिया। क्या दिया सुनिए, उन्होंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के। तो रिएक्टेंट यहां पे ए है और बी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनका बड़ा ब्रैकेट जो लगा रहे हैं हम, ये कंसेंट्रेशन को शो कर रहा है, और ए बी रिएक्टेंट है और इनके मॉलिक्यूल्स इनके पावर में आ जाएंगे, यानी N1 एंड N2, ठीक है। ये गुलबर्ग वागे का लॉ है, कंसेंट्रेशन लॉ है, एक्टिव कंसेंट्रेशन लॉ है। ये क्या है, ये है एक्टिव कंसेंट्रेशन लॉ जो गुलबर्ग और वागे ने दिया। अब यहां से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K आ जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा A की पावर N1 और B की पावर N2। यहां K कांस्टेंट है, ठीक है, रेट कांस्टेंट है K। अब ये जो इक्वेशन आई है यहां पे, ये हमने रिएक्शन से लिखी, यहां पे N1 और N2 लिख लिया, तो ये थ्योरेटिकल इक्वेशन है। ये क्या है, थ्योरेटिकल इक्वेशन है ये। अब देखिए, प्रैक्टिकली इक्वेशन की बात करें
तो प्रैक्टिकली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन एंड दूसरा जो रिएक्टेंट है उसका कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लाई होता है। अब यहां पे जो पावर आएगी प्रैक्टिकली में, तो वो पावर हम लेते हैं एक्स और वाई। और ये एक्स और वाई देखो, अभी मैं थोड़ी देर के लिए बता देता हूं, वैसे आगे इसके डिस्कस करेंगे। एक्स और वाई क्या है, एक्स प्लस वाई दोनों मिल जाएंगी तो इसका जो टोटल होता है उसको बोलते हैं एन। और एन यहां पे क्या है, एन यहां पे है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का ऑर्डर है जिसको एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एन से। इसके इसकी बात जो है आगे अपन करेंगे डिस्कस इसके बारे में डिटेल से। बस मैं अभी आपको इतना बता सकता हूं कि ये जो एक्स वाई है ना, इस एन वन के बराबर हो भी सकता है और इसके बराबर नहीं भी हो सकता, यानी कि इसके इक्वल हो भी सकता है और इसके इक्वल नहीं भी हो सकता। तो देयर एक्स एंड वाई मे बी इक्वल विथ एन वन एंड एन टू और मे बी नॉट, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन आई, यहां से साइन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के, ये आ जाएगा का ए एक्स एंड बी वाई। ये जो इक्वेशन आई ये प्रैक्टिकली इक्वेशन है, ठीक है, यहां लिख लीजिए आप, प्रैक्टिकली इक्वेशन है ये, ठीक है। तो यहां पे एक्स वाई जो है एन वन और एन टू के बराबर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहां पे के जो है, ये के जो है, ये के है आपका रेट कांस्टेंट, के क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है। अब अगर इसको जनरली रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसके अलावा आप इसको ये भी बोल सकते हो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो रेट कांस्टेंट को। ये इक्वल होगा अगर रिएक्टेंट वन मोल पर लीटर हो, यहां पे ये रिएक्टेंट भी वन मोल पर लीटर हो, देन आर इज इक्वल टू के होगा, होगा कि नहीं होगा, चाहे तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं मैं आगे बता दूंगा ना। अब देखो इस इक्वेशन को अगर हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वी नो आर इज इक्वल टू फॉर रिएक्टेंट माइनस डी आर अपॉन डी टी। वीडियो फर्स्ट में अपन ने इसकी बात की थी, फर्स्ट लेक्चर के अंदर पार्ट वन के अंदर अपन ने इसकी बात की थी, रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या होता है, रिएक्टेंट का माइनस साइन आता है डी आर अपॉन डी टी। तो यहां पे जब ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए एक्स एंड बी वाई, ये हो जाएगा इक्वेशन, ये बन जाएगी, ठीक है कि नहीं। ये रिएक्टेंट का रेट हो गया। अब स्पेसिफिक रिएक्टेंट निकाल लेते हैं इसका, देखो यहां कर लेते हैं, इफ इफ ए रिएक्टेंट वन मोल पर लीटर, बी रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन वन मोल पर लीटर, देन देन आर इज इक्वल टू के, यहां पे एक की पावर एक्स, फिर इसकी भी एक की पावर वाई, तो ये तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अब आप इससे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज वन मोल देन द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज वन मोल देन द कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, इज ऑल्सो नोन स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसका जो एलजेब्रिक आ रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो एलजेब्रिक पावर है एक्स और वाई, मैंने आपको बताया कि एक्स वाई का जो टोटल होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है ना। इसको एन से डिनोटेट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मींस कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन से डिनोट करते हैं क्या है आपका एक्स प्लस वाई, दोनों का टोटल जो होगा ना वो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इस आगे हम अभी इसमें बात करेंगे, यूनिट निकालेंगे किसका, के का, इस के का यूनिट निकालेंगे, इस के का यूनिट फाइंड करेंगे, ये रेट कांस्टेंट है, इसका यूनिट फाइंड करेंगे, उसके बाद में इसके यूनिट से हम जो अलग अलग टाइप के ऑर्डर होते हैं, जीरो ऑर्डर, वन ऑर्डर, टू ऑर्डर, थ्री ऑर्डर, इनका भी यूनिट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि उनका यूनिट क्या होता है। चलो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मींस कि के की यूनिट। अब देखिए आपको के की यूनिट फाइंड करनी है, हम के की यूनिट निकालेंगे और इस के की यूनिट से जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑर्डर है उनकी यूनिट भी फाइंड करेंगे। वैसे तो ऑर्डर के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूं आपको, किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखकर आप उसका ऑर्डर नहीं बता सकते हो कि उसका ऑर्डर कितना है, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑर्डर होता है वो एक प्रैक्टिकली वैल्यू होती है, ये प्रैक्टिकल करने से ही पता चलती है। डिस्कस करेंगे आप, आगे एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं इसके बारे में, लेकिन अभी अपन बात करते हैं कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या है। तो सबसे पहले यूनिट निकालने के लिए तो हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, तो फॉर्मूला हमने निकाला था अभी अभी फाइंड किया अपन ने, आर इज इक्वल टू के, ये था आपका ए एक्स पावर बी वाई पावर, यहां से अपन ने के निकाला तो ये बटे में चले जाएगी आर के, आर के अपॉन में गई, तो आर अपॉन ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रेट, ये क्या है रेट, और रेट क्या होती है, रेट होती है आपकी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग अपन ने इसका यूनिट निकाला था, याद आ रहा होगा आप लोग पिछले पार्ट में, तो वो यूनिट था ये मोल लीटर यूनिवर्स सेकंड यूनिवर्स, समझ रहे हो, यहां समझ में, कंसंट्रेशन का यूनिट होता मोल पर लीटर और टाइम टेकन, तो इसका सेकंड हो गया, मोल पर लीटर है, लीटर ऊपर जाएगा तो यूनिवर्स, टाइम भी ऊपर जाएगा तो क्या हो गया यूनिवर्स। और ये क्या है ब्रैकेट ए, इसका मतलब ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी मोल पर लीटर हुआ और ये भी मोल पर लीटर हुआ, इट मींस के इज इक्वल टू क्या हो गया, यही लिख देते हैं इसी में, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर, अब पर लीटर है ऊपर भेज दो चाहे नीचे रख लो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो चाहे एल की पावर एक्स मोल पर लीटर की पावर वाई, ठीक है। आधार समान होता है, बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, पढ़ा होगा आपने मैथ में, तो ये क्या होगा के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन, ये बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो मोल पर लीटर पावर एक्स प्लस वाई। और हम जानते हैं अभी अभी मैंने आपको बताया था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट मींस के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल अपॉन लीटर की पावर एन। अब मोल के ऊपर भी एन पावर है और इस लीटर के ऊपर भी एन पावर है, ठीक है, मैं हर स्टेप बता रहा हूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। के इज इक्वल टू मोल
लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन ये मोल की पावर एन अलग करके लिख रहा हूं मैं, और ये अपॉन में लीटर है ना, ये ऊपर जाएगा तो यहां पे आएगा ना, अगर ये एल यहां आएगा तो लीटर इनवर्स होगा, होगा कि नहीं होगा, तो लीटर इनवर्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स, ठीक है कि नहीं। तो अब यहां पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स की पावर एन, ठीक है कि नहीं। अब के इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका मोल, मोल की पावर एन है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब चाहे तो आप इसको ऐसे कर लो, देखो मोल वन माइनस एन, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां मोल की पावर एन है तो मोल पावर एन ऊपर जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा पावर, और ऊपर ऊपर ऑलरेडी एक है तो वन माइनस एन लिख देंगे इसको, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस एन है ऑलरेडी, और ये माइनस वन एन की पावर है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एन माइनस वन, एंड सेकेंड ऑलरेडी इनवर्स है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी वो रेट कांस्टेंट का जो है यूनिट आ गया। अब आप ये यूनिट याद रखें डायरेक्ट, ठीक है, अगर आपको ये यूनिट याद है तो आप जीरो ऑर्डर का यूनिट निकाल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट निकाल सकते हो, सेकंड ऑर्डर का यूनिट निकाल सकते हो, थर्ड ऑर्डर का यूनिट निकाल सकते हो। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ आप ये है जीरो ऑर्डर का मतलब हो गया, जीरो ऑर्डर मींस जीरो ऑर्डर का मतलब है आपका एन इज इक्वल टू जीरो, जीरो ऑर्डर का मतलब यही होगा एन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे आप देखिए एन की वैल्यू जीरो रखो, मोल वन माइनस जीरो, ठीक है, फिर लीटर जीरो माइनस वन, और ये सेकंड ऐसे कैसे, सेकंड इनवर्स, तो वन में से जीरो जाएगा तो वन ही बचेगा, इट मींस मोल ये क्या हो जाएगा आपका लीटर इनवर्स, और ये सेकेंड इनवर्स, तो ये जीरो ऑर्डर का यूनिट हो गया। इससे आप जीरो ऑर्डर का यूनिट निकाल सकते हो या आप डायरेक्टली इसको लर्न कर लो, क्योंकि अगर आपको ये यूनिट डायरेक्टली लर्न है तो आप रिएक्शन को देख के ऑर्डर वैसे तो फाइंड नहीं कर सकते हो, पर वहां पे किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर जो है वैल्यू लिखी हुई होगी और उस वैल्यू के आगे जरूर यूनिट जरूर लगी हुई होती है, और वो अगर यूनिट ये हुई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, ये हिंट होता है क्वेश्चन में, जिसको देखकर आप पता कर सकते हो कि ऑर्डर कौन सा है रिएक्शन का, ठीक है कि नहीं। और अगर आपको ये याद नहीं रहता है क्योंकि भाई चार यूनिट अपन को याद करनी पड़ेगी इतना ज्यादा, तो फिर आप ये यूनिट याद रखो, इससे आप निकाल लोगे चारों का, बस थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, ठीक है ना, किसी का ऑर्डर पता करना है तो अपन को। तो यहां पे अगर फर्स्ट ऑर्डर है एन इज इक्वल टू वन, तो उसके लिए देखिए यहां पे वन रखेंगे, मोल वन माइनस वन लीटर वन माइनस वन एंड सेकेंड इनवर्स, देन ये क्या हो जाएगा आपका वन माइनस वन क्या हो गया जीरो, और एल माइनस वन माइनस वन ये भी जीरो, इट मीन्स ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो क्या बचा केवल सेकेंड इनवर्स, ठीक है कि नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर का हो गया सेकेंड इनवर्स यूनिट, ठीक है। इसी टाइप से आप निकालो सेकेंड ऑर्डर का एन टू, तो मोल वन माइनस टू लीटर
टू माइनस वन सेकेंड इनवर्स, सॉल्व करो तो ये हो जाएगा वन माइनस टू का मतलब हो गया मोल माइनस का वन, ये आएगा और ये माइनस टू में से गया तो वन आएगा, यानी ओनली एल, एल की पावर वन लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है। और सेकेंड इनवर्स ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर का यूनिट, ठीक है। एन इज इक्वल टू थर्ड, थर्ड के लिए देखिए क्या होगा मोल, यहां पे थर्ड लिखेंगे वन माइनस थ्री, थ्री माइनस वन एंड सेकेंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का टू, ये हो जाएगा एल स्क्वायर और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ये थर्ड ऑर्डर हो गया। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट, ये सेकेंड ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का और ये जीरो ऑर्डर का। डायरेक्टली लर्न कर लो या इससे निकाल लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हिंट होगा वैल्यू के आगे यूनिट लिखा हुआ, अगर इनमें से कोई यूनिट है तो आप चेक कर सकते हो तुरंत कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है कि नहीं। बाकी इसके अलावा आप किसी रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते हो ऑर्डर कौन सा है, ये प्रैक्टिकली वैल्यू होती है, ये प्रैक्टिकल करके ही पता किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, देखो मैंने आपसे कहा था कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं जिनमें से 30 लड़ाई कर रहे हैं, आप दूर बैठ के वो पूछा जाए आपसे कि बताइए कितने बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, तो आप बोलोगे हमें नहीं पता, ठीक है कि नहीं। लेकिन आप प्रैक्टिकली वहां जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि 30 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, इट मीन्स ये प्रैक्टिकली फाइंड हुआ है। वैसे ही ऑर्डर जो है वो प्रैक्टिकली पता चलता है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है ना इस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, कि वो रिएक्शन की रेट क्या है वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है, आगे और डिस्कस करेंगे। तो ये हम यूनिट की बात कर रहे थे कि कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट, और उससे हमने अलग अलग ऑर्डर जो है उनकी यूनिट फाइंड की है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए मॉलिकुलरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ऑर्डर के बारे में अभी मैंने आपको बताया ही, ठीक है ना। हाँ तो ये आता है एक्टिवेशन कंसंट्रेशन से, और ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये प्रैक्टिकली वैल्यू है, तो दोनों में डिफरेंस भी हो जाएगा। तो अपन यहां लिख देंगे ये इट इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू, क्योंकि ये रिएक्शन से रिएक्शन को देखकर अपन को पता चल जाती है, तो ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। और ये प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड अगर बात करें तो ये हमें क्या बताती है, ये कैसे पता चलता है, ये डायरेक्ट पता चल जाता है रिएक्शन को देखकर, इट मीन्स डिटरमाइंड बाय डायरेक्ट सीन ऑफ रिएक्शन एंड इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायरेक्ट सीन ऑफ रिएक्शन। मतलब इसको हम रिएक्शन को देखकर फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है नहीं। ये वही तो वैल्यू, जैसे मान लीजिए ये है एच टू, टू एच टू प्लस ओ टू और टू एच टू ओ, तो यहां पे ये वैल्यू है मॉलिक्यूलरिटी। यहां पे ये पता चल रहा है कि ये दो है, इसका पता चल रहा है ये एक मोल है, वन मोल, ये पता चल रहा है ये टू मोल है, बट इसमें अलग है, ये प्रैक्टिकली वैल्यू है, ये प्रैक्टिकल करके ही पता चलता है, ठीक है कि नहीं, कि कितने पार्टिकल्स एक्टिवेट है, वो एक्टिव कंसंट्रेशन निकालते हैं, फिर उससे आपका प्रैक्टिकली ऑर्डर आएगा। अब देखिए इसकी अगर बात करें तो इसकी जो वैल्यूज है हमेशा आपको पता, रिएक्टेंट अगर है पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो होगा तो मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं है। इट मीन्स इनकी वैल्यू ऑलवेज वन टू
थ्री होती है, ठीक है कि नहीं, और कई बार तीन से ज्यादा भी होती है, मोर देन थ्री भी होती है। जब मोर देन थ्री होती है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जटिल हार्ड रिएक्शन, ठीक है ना, वरना वन टू थ्री तो होती है। जबकि ये जो है ये ऑर्डर जो है जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, हो सकता है क्लास के अंदर 50 बच्चों में कोई लड़ाई नहीं कर रहा हो, तो जीरो ऑर्डर हो गया कि नहीं ऑर्डर हो गया। तो अब ये तीन तक ही होता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा इसलिए नहीं होता है कि उसके बाद 3D जो शेप होता है उसके अंदर ये एडजस्ट नहीं हो पाते पास पास तीन मॉलिक्यूल से ज्यादा। अब देखिए बात करें आगे और डिफरेंस की, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमेशा पॉजिटिव में होता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है उस पे जो पावर्स है एक्स और वाई, जो पावर्स है उस पे डिपेंड करता है कि अगर इनकी पावर्स पे डिपेंड करता है कि ये पावर्स किस में है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, उस बेस पे जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये इनका जो है डिफरेंस हो गया, और मैंने आपको इसकी डेफिनेशंस पहले ही क्लियर कर दी थी। इसके मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन तो ये हो जाएगी, देखो ये कह रहा है कि ऑफ ए रिएक्शन इज ऑब्टेंड मोर देन थ्री देन इट इज, ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मोलिकुलरिटी तो आप समझिए ना कि जो उसके स्टोइकोमेट्री से डिनोट होते हैं, ठीक है, स्टोइकोमेट्री से जो डिनोट हो उनको मोलिकुलरिटी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। और जनरली जो है ना मोलिकुलरिटी जो है ऑफ इट्स स्लो स्टेप, स्लो स्टेप यानी कि स्लो स्टेप हो जाए जो होता है वो क्या होगा, रेट डिटरमाइनेशन स्टेप। देखो ये क्या कह रहा है, अगर तीन से ज्यादा मोलिकुलरिटी है, मोर देन थ्री मोलिकुलरिटी है, मींस की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तब स्टेप स्लो पड़ हो जाएगा, स्लो स्टेप हो जाएगा। तो देखिए और ये क्या होगा, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनेशन स्टेप, डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब कि उसकी रेट इस पर डिपेंड कर रही है ना, फिर कितना स्लो होगा उस पर डिपेंड करेगी रेट उसकी, इसलिए इसको आर डी एस बोलते हैं, आर डी एस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ये स्लो स्टेप जो हुआ है इस पर डिपेंड करती है उसकी रेट। ये स्लो क्यों हो गया, क्योंकि जब पार्टिकल्स तीन से ज्यादा हो जाएं, मॉलिक्यूल्स जब तीन से ज्यादा होंगे तो फिर वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने की जो रेट है ना वो गिर जाएगी, समझ रहे हो। जैसे कि एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं और एक में 10 बच्चे हैं, और उनसे कहा जाए, यूं देखो आप इसको, इस क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और इस क्लास में सपोज करा 5 स्टूडेंट है, ठीक है कि नहीं। अब इनसे कहा जाए कि तुम लोग आपस में हैंडशेक करो, तो जल्दी हैंडशेक कौन करेगा सभी से आपस में, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो नहीं करेगा ना, हो तो गा ये भी, लेकिन ये क्या हो गया, स्लो हो गया कि नहीं। इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, आरडीएस, जब तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं तो स्लो हो जाता है, क्लियर। तो ये ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस हो गया, ठीक है। चलो एक चीज और बता देते हैं इसी में, साथ में अलग टॉपिक है, डिफरेंस तो यहीं खत्म है। सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ऐसी रिएक्शन है जिनका ऑर्डर तो क्या होता है, वन, यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन इनकी जो मॉलिक्यूलरिटी है
मोलिकुलरिटी को एम से डिनोट करते हैं और ऑर्डर को एन से डिनोट करते हैं, तो इनका जो मोलिकुलरिटी है वो होता है टू। तो इस टाइप का जिनका मोलिकुलरिटी तो टू होता है लेकिन वो बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर की तरह, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। डेफिनेशन याद कर लेना, बस इतना ही पूछेगा, इतना सा टॉपिक है कि व्हाट इज ए स्यूडो रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप बोल देना जिसका ऑर्डर वन और मोलिकुलरिटी दो हो तो उसे स्यूडो फर्स्ट रिएक्शन बोलते हैं।